जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। अगर आपके गांव में भी आपके प्रधान भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी तरक्की नहीं हो रही है और आपको ये लगता है कि आपके प्रधान ने पैसा खाया है या आपके ग्राम प्रधान गांव में किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे में आप उनके ऊपर RTI लगा सकते हैं। तो दोस्तों, RTI क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे और RTI कैसे जारी करते हैं, कैसे हम RTI लगाते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस अधिनियम को भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में लाया गया। इसके अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, बशर्त यह है कि RTI के तहत पूछी गई जानकारी फैक्ट बेसिस हो, मतलब कि तथ्य पर आधारित हो। तो दोस्तों, ग्राम प्रधान ही नहीं अपितु तो पंचायती राज विभाग में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उन पर भी आप RTI लगा सकते हैं और उस विभाग पर RTI लगा सकते हैं जिस पर आपको संदेह हो। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप RTI लगाएंगे। RTI के लिए आपको इस पेज पर आ जाना है और लिखा हुआ है ऊपर क्लिक हेयर, तो जहाँ क्लिक हेयर लिखा हुआ है दोस्तों, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा और डायरेक्टली आप RTI लगा सकते हैं। और RTI लगाना दोस्तों बेहद ही आसान है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। दोस्तों, जब आप फर्स्टली इस पेज पर जाते हैं तब आपको कुछ चेकमार्क लगाना होता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी, गलत जानकारी आपको इस पोर्टल पर नहीं देनी है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि जो हमारा अगला पेज ओपन होता है तो वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जहाँ चेकमार्क लगा करके हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे RTI ऑनलाइन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और रिक्वेस्ट फॉर्म भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का नाम डालना होगा कि जहाँ पर आपको RTI लगानी है, कि वो पंचायत राज विभाग से है या किस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो वह आपको लगाना होगा नाम ऊपर से, ये जो टैब दिया हुआ है कि सेलेक्ट मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, तो वो जो डिपार्टमेंट है आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी आपको भरना होगा, उसके बाद में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कन्फर्म ईमेल आईडी कर लेना है, नेम आपको देना होगा और जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी आप जेंडर हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, वो इसमें आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है एड्रेस, तो दोस्तों आपको सही सही एड्रेस इसमें भर लेना है। उसके बाद पिन कोड मैंडेटरी नहीं है, कंट्री में आपको इंडिया ही रहने देना है। उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, काफी सारे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों इनको भी हम देख लेते हैं और इनको सही से हम भरेंगे। तो स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में स्टेटस जैसे कि ग्रामीण है या शहरी है तो वह आपको भरना होगा। एजुकेशनल स्टेटस में देना होगा कि आप लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, यानी कि आप निरक्षर हैं या आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद एक फ़ोन नंबर आपको देना होगा, इंडियन इसमें रहने देना है सिटीजनशिप में। उसके बाद में इसमें आता है कि पॉवर्टी लाइन, तो इसमें यस या नो आपको कर लेना होगा। दोस्तों, ये पॉवर्टी लाइन में अगर आप यस कर देते हैं तब आप गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं और BPL का जो कार्ड है इसमें आपको अटैच करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर BPL कार्ड नंबर आपसे मांगा जा रहा है, अगर आप इसको नो कर देंगे तब दोस्तों मैं हम दिखाएंगे आपको, वहाँ पर BPL का कार्ड जो है वो शो नहीं करेगा। इसके बाद में आपने जो इशू डेट है और इशूइंग अथॉरिटी है वह आपको भर लेना है, और ये जो बॉक्स दे रहा है इस बॉक्स में ही सारा कुछ आपको भरना होगा जिसके खिलाफ आप RTI लगा रहे हैं या जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं वह इस बॉक्स में भरना होगा। और ये जो कैप्चा है, कैप्चा सबमिट करना होगा, और ये एक BPL का जो कार्ड है उसका आपको कॉपी PDF फाइल आपको अपलोड करना होगा। तो जब फाइल अपलोड आप कर देंगे तो सबमिट करने के बाद में आपको एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ये इस तरह से, और इसको आप प्रिंट करके रख लेना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ऑप्शन नो सेलेक्ट करते हैं तब आपको ₹10 का चार्ज देना होता है, तो उसमें भी आपका पेमेंट जो है डिटेक्ट होगा। तो अब देख लेते हैं, नो करने के बाद में वो सारी की सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी जो पीछे मैंने बताई हैं, उसके बाद में मेक पेमेंट आपको करना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे
तो मेक पेमेंट करने के बाद में एक आपको पेज ओपन होगा, उस पेज में आपको पेमेंट करना होगा जो 10 रुपये का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। अब ये 10 रुपये का जो ट्रांजेक्शन है, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या गूगल से, या पेटीएम से, या फिर फ़ोनपे से, किसी भी माध्यम से आप डिडक्ट करा सकते हैं, कटा सकते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट बैंकिंग का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, कुछ इस तरह का जो पेज है वो आपके सामने ओपन होगा, आपका नेम भी इसमें शो करने लगेगा। उसके बाद में ऑप्शन आता है पेमेंट गेटवे का, तो आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट मोड जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो हमने फर्स्ट ही रहने दिया क्योंकि हमें UPI से पेमेंट डिडक्ट करना है। इसके बाद में जैसे ही आप देखेंगे तो नीचे UPI का ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर कई सारे ऑप्शन हैं, आपको जो भी पसंद आता है उसको आपको चूज़ कर लेना है। हम जैसे कि UPI से करेंगे तो क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आपके जो मोबाइल है उस पर एक मैसेज जाएगा और आपको पेमेंट डिडक्ट करा देना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप RTI दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।